नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश जी के चैप्टर वाइज शुरू करने जा रहा हूं। आज का हमारा चैप्टर है उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं यूपी जीके में, आपको सारे प्रश्न करा दूँगा। इससे आपका आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें भी यूपी जीके पूछी जाती है, उससे आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो साथ ही वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यूपी जीके की टॉप 25 एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे हमारे इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही और वो यूपी जीके में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रापाषाणकालीन स्थल बेलन घाटी नदी का साच उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है। तो कौन से जनपद से प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। तो बेलन घाटी के जो साच है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से मिला है। किससे? इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं धान की खेती के साक्ष्य ये आपको बताना है। तो ये मिले हैं कोलडीवा से। कहाँ? कोलडीवा से मिले हैं धान की खेती के साक्ष्य। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो कौन से जनपद में ये आपको बताना है। तो ये है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई। तो कौन से जनपद में हुई थी लोहे की खोज। तो ये हुई थी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में। किस में? वाराणसी जनपद में लोहे की खोज। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाण स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो कहां से प्राप्त हुई है मातृ देवी की प्रतिमा। तो ये प्राप्त हुई है लोहेदा नाला क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने छठमा की बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई। तो किसके निर्देशन में कराई गई थी ये आपको बताना है। तो बेलन नदी घाटी की खुदाई कराई थी प्रोफेसर जी आर शर्मा ने। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने सातवां कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में है। तो ये है कोलडीवा। कौन सा? कोलडीवा स्थित है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य के किन जिलों में नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से जिले में हुए हैं नवपाषाणकालीन साक्ष्य ये आपको बताना है। तो ये इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़ यानी चारों जनपद से प्राप्त हुए हैं। तो ए बी सी डी यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य के किस जिले से पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कौन से जिले से हुए हैं पुरापाषाणिक साक्ष्य। तो ये इलाहाबाद, सोनभद्र, चंदौली यानी उपरोक्त सभी जिलों से पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है आलमगीरपुर ये आपको बताना है। तो ये है मेरठ जनपद में स्थित। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है सहारनपुर से। कहाँ से? सहारनपुर से। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारहवां प्रश्न है आपके सामने कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इनमें से कौन सा महाजनपद है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो कौन सा है
तो बारमा का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ये जो अंग है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 आपके सामने, चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित था, तो कौन से ज़िले में था चेदी महाजनपद, तो ये था बांदा जनपद में, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौदहवां प्रश्न आपके सामने कि मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित था, तो कौन से जनपद में था मल्ल महाजनपद, तो ये था कुशीनगर में, कहाँ पर कुशीनगर में था, तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में स्थित हैं, तो कितने महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश में थे 16 महाजनपदों में से, तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं थे, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि कपिल वस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है, तो कौन से जनपद में है कपिल वस्तु ये आपको बताना, तो ये है सिद्धार्थनगर में, कहाँ सिद्धार्थनगर में, तो चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि ऋषि पत्ता न्याय मृगदाब का आधुनिक नाम क्या है, तो क्या है आधुनिक नाम ये आपको बताना है, तो इसका जो आधुनिक नाम है वो है सारनाथ, कौन सा सारनाथ है, तो चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है, तो कौन से राज्य को कहा जाता है बौद्ध धर्म का पालना ये आपको बताना है, तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश जनपद, उत्तर प्रदेश राज्य को, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से आपके सामने कि महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, तो कौन था महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र, तो ये था कौन सा था इसका राइट आंसर बताइएगा, तो ये था मथुरा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कुल सॉरी फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे, तो कितने मुख्य गणराज्य थे बुद्ध के समय में उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 7 गणराज्य थे, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने कि उत्तर वैदिक कालीन किस मृद भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, तो कौन से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं लाल मृद भांड, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पांचाल महाजनपद की राजधानी कांपिल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है, तो कौन से जनपद से है कांपिल का संबंध, तो इसका संबंध है फर्रुखाबाद जनपद से, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि टोपरा जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह किस राज्य वह राज्य के किस जनपद में स्थित है, तो टोपरा अब जो अभिलेख है ये कहाँ पर था, तो ये लिखा था सहारनपुर जनपद में, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने कि भारत सरकार का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है राजकीय चिन्ह, तो ये लिया गया है सारनाथ से, कहाँ से सारनाथ से लिया गया है, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्म स्थली माना जाता है, तो कौन से जनपद को माना जाता है, तो ये माना जाता है मथुरा जनपद को, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैंने आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास के टॉप क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास से आपको 7 से 8 वीडियो आने वाली, इन्हीं में से आपका जो उत्तर प्रदेश के इतिहास से जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा सारा प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने और सभी भाई बहन तक पहुंचा देना जो उत्तर प्रदेश की किसी परीक्षा की
तैयारी कर रहा है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।